तो गाइज अरंगी में भी यार काफी तरह तरह का खेती होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछला ब्लॉग में दिखाया था। और प्लांट कितना ज्यादा छोटा है और इसका औकात आप लोग देख सकते हैं। उस साइड में जो एप्पल वगैरह का भी खेती किया गया है। तो यार हमारा अरंगी गांव में जो है सेब का भी मतलब खेती किया जाता है, और स्ट्रॉबेरी का खेती जो हमेशा अरंगी में होता है और काफी अच्छा लगता है। मैं खाया हुआ था, बिल्कुल यार एप्पल जैसा टेस्ट आपको मिला, जो कि दवा डालने के लिए कुछ इस प्रकार का जो है मशीनें इस्तेमाल किया जाता है वो दिखाया। बाकी आगे चलते हैं यार, एप्पल का जो खेती हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, काफी अच्छा लगेगा यार। आप लोग जो है हल जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यार बाकी इस साइड में यार देखते हैं काफी ज्यादा ड्रिप इरीगेशन का पाइप यहाँ पर लगाया गया है। क्लियर, इसे हम लोग ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बोलते हैं। मैंगो चोरी करने की कोशिश करेंगे जो अभी मैंने आपको उस साइड में दिखाया था, तो आप पकड़े जाएंगे। काफी जो है ज्यादा प्रेशर होता है इस मशीन का। जैसे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यार आज अपना घर साइड का रेलवे स्टेशन का टूर देने वाला हूँ, काफी ज्यादा मजा आएगा। मैं और मेरा बड़ा भाई बिग ब्रो नीतीश, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं इस साइड में यार भिंडी का खेती किया गया है काफी तगड़ा यार, और प्लास्टिक वगैरह लगा दिया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई जानवर जो है इसको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो यार आपको ये पता होगा कि यार इंडिया इज नॉट फॉर बीइंग। तो यार अभी ये जो जमीन आपको देखने मिल रहा है रेलवे लाइन के किनारे, ये जो है मेरा है, चाचा का है, नीतीश का भी है, तो काफी अच्छा बात है। बाकी यार अभी हम लोग जो है रेलवे लाइन के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पुल जो है काफी यार जबरदस्त लग रहा है। बाकी यार ऊपर चलते हैं। तो यार अभी जो है फाइनली रेलवे लाइन पे पहुंच चुका हूँ मी एंड नीतीश ब्रो। तो जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, और यार अभी जो है सनसेट होने वाला है, तो और भी काफी जो है तगड़ा लुक देखने मिल रहा होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो यार काफी अच्छा लगता है। वैसे इस साइड में मैं कभी आता नहीं हूँ, मतलब अकेले आता नहीं हूँ यार, एलोन इधर मजा नहीं आता है, किसी के साथ आना पड़ता है, तो काफी अच्छा लगता है। तो फाइनली जो है नीतीश ब्रो आ चुका है, तो काफी अच्छा बात है यार। आगे चलते हैं हम लोग। और यार एक काफी इंटरेस्टिंग सा पेड़ पौधा दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। आप जो है इसका नेम कॉमेंट करेंगे, जो है काफी ज्यादा खूबसूरत और यार काफी ज्यादा नुकीला कांटा भी इसमें है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये खजूर का पेड़ जो है काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो यार काफी अच्छा लगता है यार हमें हरियाली देख के अपना गांव का। तो गाइज अरंगी में भी यार काफी तरह तरह का खेती होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछला ब्लॉग में दिखाया था, और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं यार इस साइड में अभी यार हम लोग अरंगी में ही आता है, और यहाँ पे काफी ज्यादा खेती हुआ है। खैर मैं पास से जाके आपको पूरा का पूरा नजारा दिखाऊंगा, उससे पहले आप लोग यार एक बार देख सकते हैं 360 डिग्री में, काफी प्यारा लग रहा है ये एरिया। पास से मैं आपको दिखाता हूँ, तरह तरह का मशीनें गैजेट भी जो है यहाँ पे देखने आपको मिल जाएगा यार, काफी अच्छा बात है यार। बाकी चलते हैं पास। यहाँ पे यार खेती के साथ साथ 100 प्लांट अभी आपको देखने मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे फ्लावर हो गया, काफी अच्छा लगता है यार। इस समय फुदीना हो गया, आप लोग फुदीना खाए होंगे यार, काफी अच्छा इसका चटनी लगता है। और ये भी फ्लावर ही था जो कि बहुत दिन पहले लगाया हुआ था, मैं उसका वीडियो नहीं बनाया। और इस समय आप लोग देखते यार लौकी का खेती किया गया, जैसे कि काफी खूबसूरत लग रहा है। बाकी यार आगे चलते हैं, और नीतीश ब्रो भी यार काफी वहाँ पे इंजॉय कर रहा, और मैं जो है वोट भी दे दिया हूँ, क्योंकि जो है आज इलेक्शन था, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। तो काफी अच्छा लगा यार वोट देने के बाद। यार आप लोग किस में वोट दिए हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं काफी प्यारा जो है सूर्यमुखी का प्लांट आपको देखने मिल रहा है, फ्लावर देखने मिल रहा है, काफी खूबसूरत लग रहा है। बाकी आगे चलते हैं यहाँ से। ये जो है बेसिकली यार हमारा जो है वो प्लांटेशन, मतलब जो पटाने के लिए जो भी खेती यहाँ पे होता है उसको पटाने के लिए होता है। तो देख सकते हैं छोटा छोटा पाइप भी लगा हुआ है, जिसे हम लोग जो है ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है, इस सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे। इसका यार प्लांट मतलब देख सकते हैं, इसका यार प्लांट कितना ज़्यादा छोटा है, और इसका औकात आप लोग देख सकते हैं यार, काफ़ी बड़ा बड़ा मैंगो यहाँ खड़ा हुआ है। बाकी यार आगे चलते हैं, और भी आगे मैं आपको अच्छा अच्छा सीन दिखाता हूँ। बाकी यार उससे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बैर का पेड़ है। बेसिकली यार बैर भी यार काफ़ी अच्छा लगता है, मैं खाया था जब तैयार हुआ था, उस साइड में भी बैर का पेड़ है, तो जब उस साइड में तैयार हुआ था तो मैं खाया था, काफ़ी अच्छा लगा था। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो पेड़ है यार, मतलब सेब जैसा लगता है, एप्पल जैसा बिल्कुल लगता है यार। मैं मतलब मेरे को लग नहीं रहा था कि यार, मेरे को लग रहा था पहले यार कि बैर का खेती क्यों किया जा रहा है, कि बैर तो यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने मिलता है, लेकिन यार मतलब यार नॉर्मल बैर से यार ये बैर जो है काफ़ी अच्छा लगता है, मैं खाया हुआ था। आपको एप्पल जैसा टेस्ट यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे यार अभी सीजन बैर का नहीं है, लेकिन फिर भी यार ये बैर जो है पता नहीं क्यों ही फरा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये सब फ्लावर है उसका, बैर का। तो यार अभी क्यों फ्लावर आ रहा है यहाँ पे मेरे को पता नहीं, जो है अलग टाइप का ही बैर होगा कहीं और, कोई और कंट्री का होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको बैर देखने मिलता है यार। बाकी आगे मैं आपको दिखाता हूँ यार, काफी ज्यादा खूबसूरत प्लांट वहाँ पे फ्लावर देखने मिल रहा है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे आप लोग जो ये फ्लावर देख रहे हैं यार, काफी प्यारा फ्लावर लग रहा है, व्हाइट कलर में यार काफी ज्यादा फ्लावर। ये फ्लावर क्या चीज का है यार, ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन यार काफी जो है प्यारा फ्लावर आपको देखने मिलता है यार गाँव देहात में, अच्छा अच्छा चीज आपको देखने मिलेगा। और भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, काफी ज्यादा जो है खेती वगैरह किया गया है। तो यार ये प्लांट मतलब ये फ्लावर है, तो यार मैं यहाँ पे फोटो वगैरह एक दो लेता हूँ, काफी अच्छा लग रहा है इसके वजह से। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमरूद का भी जो है पेड़ लगाया गया, जो कि यार अभी इसमें आपको फ्रूट्स भी देखने मिल रहा है, तो काफी अच्छा लगता है यार अमरूद भी। और बैर का पेड़ तक काफी ज्यादा लगाया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बाकी इस साइड में यार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खीरा ककड़ी जो भी होता है वो यहाँ पे लगाया गया है, नीनू वगैरह भी इसमें है,
और उस साइड में आप लोग देख सकते हैं वो दवा मतलब इसमें डाला जा रहा है, जो कि यार कीड़ा मकोड़ा से बचाना होता है, तभी यार आपको अच्छा फल मिलेगा। बाकी यहाँ पे फ्लावर आपको अलग अलग प्रकार का देखने मिल जाता है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं यार ये मैंगो का मतलब जान, आप लोग देख सकते हैं जान देखिए यार, और इसका औकात देखिए मतलब किस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। तो यार काफ़ी ज़्यादा ताकत है इसका, मतलब साइज़ देख रहे हैं पेड़ के यार कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं जितना भी आपको देखने मिल रहा है ये सब बैर एप्पल वगैरह का भी पेड़ है। बाकी यार एप्पल का पेड़ जो है काफ़ी बड़ा हुआ है उस साइड में, मैं आपको उस साइड में दिखाऊंगा। और ये जो आपको देखने मिल रहा है यार प्याज वगैरह सारा कुछ रखने के लिए होता है, जैसे आप लोग प्याज देख सकते हैं अभी रखा भी हुआ है। फ्लावर जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इससे पहले यार और भी बड़ा बड़ा फ्लावर यहाँ पे मतलब था, लेकिन उस समय मैं नहीं बना पाया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं। खैर उसका पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिल जाता है। बाकी यहाँ पे यार भगवा हर जगह आपको देखने मिलेगा, मेरा यहाँ पे तो आपको देखने मिल ही रहा है, बाकी यहाँ पे भी आपको भगवा मिलता है यार, काफ़ी अच्छा लगता है भगवा देखने के बाद। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं यार ये जो बेसिकली यार आई थिंक सेब वगैरह एप्पल वगैरह ग्रेप्स वगैरह का पेड़ पौधा है, तो कुछ अलग पेड़ पौधा ये आपको देखने मिल रहा है। और इस साइड में यार अलग अलग प्रकार का दवाइयाँ देखने मिल रहा है, ग्लोव्स देखने मिल रहा है, और पानी पटाने के लिए यार बेसिकली यार ये है, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है यार मतलब पटाने के लिए एक छोटा वाला वर्जन भी है। खेती करने से पहले यार बीज वगैरह कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगाया जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। तो यार इस प्रकार से पहले किया जाता है, जो छोटा छोटा मिर्च वगैरह हो गया, गोभी वगैरह हो गया, मतलब जितना भी प्रकार का बीज वगैरह होता है कुछ इस प्रकार से पहले किया जाता है, उसके बाद यार इसको जो है खेत में हम लोग लगाते हैं। और यहाँ पे यार बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो बर्बाद होने के बाद यार कुछ इस प्रकार देखने मिल जाता है। तो यार खेती करना इतना आसान बात नहीं है, बर्बाद भी बहुत ज़्यादा होता है। बाकी आगे का सीन मैं आपको दिखाता हूँ। और इस साइड में भी आप लोग देख सकते हैं यार अलग अलग जो है प्रकार सब्जी का जो है यहाँ पे बीज रखा गया है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ कुछ बीज यार ख़राब भी हो रहा है। तो मैं आपको बताया कि यार खेती करना इतना आसान बात नहीं होता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है कष्ट करना पड़ता है किसान लोग को, ये आप लोग समझ सकते हैं यार, आप लोग प्राइस कम कराते हैं बाज़ार में। बाकी इस साइड में भी आप लोग देखते हैं ये जो ट्रे रखा हुआ है बेसिकली यार वही कार्य के लिए है। बाकी यहाँ पे आप लोग देखते हैं यार टंकी रखा गया है ताकि जो है आसानी के साथ जो है टाइम से इसको जो है पानी वगैरह मिल सके। और ऊपर की ओर यार ये भी मतलब लगा दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है यार, ये सारा मतलब सनलाइट से बचेगा और जितना सनलाइट रहेगा उतना ही मिलेगा। बाकी सेब वगैरह का भी यार खेती किया गया है यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं यार यहाँ पे भी सूर्यमुखी का फूल फ्लावर देखने मिल जाएगा, जो कि यार काफ़ी अच्छा बात है। अलग अलग प्रकार के यार खेती यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और ये जो पाइप आपको देखने मिल रहा है यार ड्रिप इरिगेशन, मैंने आपको बताया यार उसी मतलब वही मशीन से जो है इसको पटाया जाता है, इसमें यार मतलब कोई दिक्कत नहीं होता उसे पटाने में। बाकी ये जितना भी आपको देखने मिल रहा है ये सारा खेती हुआ है। और ये जो है यार इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार ये स्ट्रॉबेरी की खेती है, और स्ट्रॉबेरी का खेती जो है हमेशा अरंगी में होता है, और किनके द्वारा किया जाता है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा, उनका इंटरव्यू भी मैं आपको दिखाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अभी घास और आ चुका है, लेकिन इसका टाइम भी खत्म हो चुका है, करीब यार 2-3 महीना होता है। बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ स्ट्रॉबेरी, देख सकते हैं यहाँ पे अभी है भी इसमें, तो अभी जो इसका टाइम खत्म हो चुका है इसके वजह से ये जो है ना सूख चुका है। तो क्या ही मैं आपको इसके बारे में बताऊं, कभी मैं आपको इसका सेपरेट वीडियो दूंगा जब भी यार इसका खेती होगा। तो यार हमारा अरंगी गांव में जो है सेब का भी मतलब खेती किया जाता है, तो यार काफ़ी अच्छा बात है, पूरा का पूरा नज़ारा मैंने आपको दिखाया। बाकी आगे चलते हैं यार, एप्पल का जो खेती हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा यार आप लोग। ऐसे तो यार झारखंड में कहीं पे एप्पल की खेती नहीं हुआ होगा, लेकिन यार यहाँ पे इतना अच्छा प्रकार से किया गया है और यार काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने मिल रहा है। ये प्लेस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सोलर लगाया हुआ होता है, लेकिन अभी सोलर का कार्य शायद हो सकता है यार टूट फूट गया, इसकी वजह से यहाँ पे हटा दिया गया है। रिसेंटली मैंने देखा था, लेकिन फिर से जल्दी ही लगाया जाएगा। बाकी इस साइड में यार देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ड्रिप इरीगेशन का पाइप यहाँ पर लगाया गया है, और इस साइड में आपको यार ईख का भी यानी गन्ना जिसे आप लोग बोलते हैं जिसे पीने में काफ़ी अच्छा लगता है वो यहाँ पे देखने आपको मिल जाता है। इस साइड में बोर वगैरह है, कल भी लगा दिया गया, अगर जरूरत पड़ेगा तो बोर मतलब स्टार्ट किया जाएगा, अदरवाइज कल का मजा लिया जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग यार प्रकार का मिलता है। बाकी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी एप्पल के बारे में बात कर रहा था यार, मैं लेके आ चुका हूँ आपको जो है एप्पल के प्लांट के पास। तो एप्पल का प्लांट यार आप लोग शायद ही देखे होंगे, और देखे हैं तो काफ़ी अच्छा बात है, और नहीं देखे तो यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हैं यार काफ़ी जो है मतलब खूबसूरत लग रहा है। अभी तो यार इसका जो है एप्पल का फ्रूट्स वगैरह नहीं आया हुआ है, तो इसको मैं अभी फिलहाल आपको दिखा नहीं सकता। बाकी यार इस साइड में आपको देखने मिल रहा है ये जो बड़ा बड़ा जितना भी आपको देखने मिल रहा है ये सारा जो है बेसिकली यार एप्पल का ही प्लांटेशन किया गया है। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कुछ डिफरेंट प्लांट दिख रहा है, तो मेरे को अभी कन्फ्यूजन हो गया कि कौन सा एप्पल का है और कौन सा क्या चीज़ का है। वैसे ग्रेप्स वगैरह का भी आई थिंक है, तो मेरे को मतलब श्योर नहीं हूँ मैं, बाकी एप्पल और ग्रेप्स का हो सकता है, वैसे मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा अरंगी गांव में कुछ इस प्रकार से यार एप्पल का भी प्लांटेशन किया जाता है। अरंगी गढ़वा मिराल जो है, अरंगी बेसिकली यार मिराल के अंडर में आता है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एप्पल का भी खेती हुआ है, और यहाँ पे फ्रूट्स भी आपको देखने मिल रहा है। अभी क्यों मेरे अभी कुछ देर पहले यार मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा एप्पल का है कौन सा ग्रेप्स का है, तो कुछ इस प्रकार से यार आपको इसका खेती देखने मिलता है। बाकी और मैं आपको जो है आगे दिखाता हूँ आगे सीन यार मतलब अलग अलग, और ये जो खेती आपको दिखने मिल रहा है इतना हरा भरा देखने मिल रहा है ये यार बेसिकली जो है नेनुआ का खेती है, जो कि मेरे घर भी नेनुआ की खेती होता है, तो काफ़ी अच्छा बात है यार। बाकी यहाँ पे आप लोग देखते हैं
सेव कुछ इस प्रकार से है यार। और ये जो एप्पल आपको देखने मिल रही है पहली बार अभी लगाया गया है, पहले यार 2-4 साल से स्ट्रॉबेरी का खेती किया जा रहा था उस साइड में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अलग अलग खेतों में यार यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का खेती किया गया था। और यहाँ पे ये जो आपको देखने मिल रहा है ये बेसिकली यार कुछ अलग मतलब आपका जो है फ्रूट्स है, ये मतलब एप्पल का वो नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं इसका रिजल्ट गुलर टाइप का लग रहा है, मेरे को नाम नहीं पता है तो इसका नाम मैं आपको कन्फर्म करके बताऊँगा। तो अलग अलग यहाँ पे आपको मिलता है यार, बाकी यहाँ से मैं बाहर लेके आपको चलता हूँ। बाकी जितना भी यार ये बड़ा बड़ा प्लांट आपको देखने मिल रहा है इसी का जो है फ्रूट्स का ही खेती यहाँ पे किया गया है, प्लांटेशन किया गया है और बेसिकली जो है एप्पल का किया गया है। यार काफ़ी ज़्यादा गर्मी अभी लग रहा है क्योंकि यार आज जो है बारिश भी हुआ है। तो यार आगे चलते हैं यहाँ से, देखते हैं यहाँ पे बनाना का जो है यहाँ पे पेड़ पौधा लगाया गया जो भी होता है कुछ इस प्रकार से। रिजल्ट वैसे खास नहीं है लेकिन एक ही पीस यहाँ पे देखने मिल रहा है। जितना भी मैंने आपको खेती दिखाया उसमें यार दवा भी डालना पड़ता है, जो कि दवा डालने के लिए कुछ इस प्रकार का जो है मशीनें इस्तेमाल किया जाता है। तो यार इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम जो है मशीन है, पहले के ज़माने में यार मतलब इस प्रकार से मशीनें नहीं मिलता था लेकिन अभी यार काफ़ी अच्छा सुविधा मिल जा रहा है। तो इसमें भर के यार काफ़ी जो है दवा देना पड़ता है, जितना भी आपको देखने मिला। तो यार काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है किसान लोग को, तो यार इतना आसान नहीं है खेती करना भी। तो आगे का भी मैं आपको मशीनें वगैरह दिखाता हूँ यार, हल जोतने के लिए कौन सा मशीन इस्तेमाल किया जाता है हमारा गाँव देहात में। तो गाइज यार जब मैं बनखेता का ब्लॉग बना था वहाँ पे मैंने आपको एक मशीनें दिखाया था, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं मशीनें जो है हल जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यार काफ़ी जो है मतलब अलग प्रकार का यार प्रीमियम मशीन लगता है। तो यार पहले के ज़माना में जो है बैल से जोता जाता है, अभी भी मैक्सिमम जो है बैल से ही जोता जाता है, लेकिन यार ये मशीन जो है आ चुका है तो काफ़ी अच्छा सुविधा मिलता है किसान लोग को। तो इसे यार हल जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो है वो आप लोग देख सकते हैं जो भी फार वगैरह होता है मतलब जिसके मदद से जो है मतलब वो इसको कोड़ने का काम किया जाता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी यार आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम भी वहाँ पे लगा हुआ है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मशीन जो है बेसिकली यार इसे हम लोग ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बोलते हैं और यहाँ पे मीटर भी लगाया गया है किस लेवल से पानी वगैरह आता है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगा। बाकी यार इस साइड में आप लोग देखते हैं अभी जो जितना भी मैंने आपको खेती एरिया दिखाया यार सभी ओर जो है पाइप मतलब अंदर जो है गाड़ा गया है और इस मशीन के मदद से जो है पानी जाता है। और ये पाइप जो आपको देखने मिल रहा है इतना पतला पतला पाइप यार इसी के मदद से जो है पानी जाता है बेसिकली सारा खेती में। और इस साइड में यार आपको खीरा का खेती देखने मिलता है जो कि यार अभी फिलहाल जो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस साइड में यार आपको स्ट्रॉबेरी का खेती देखने मिल रहा है जहाँ पर यार इसका भी जो है वो मतलब समय ख़त्म हो चुका है जैसे कि मैंने आपको आगे बताया। तो यार काफ़ी अच्छा लगता है यार इतना अच्छा हरियाली जो है। ये जितना भी अभी मैंने आपको खेती दिखाया ये किनके द्वारा किया जाता है यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल लिखा गया है। अभी जो मतलब जिनके द्वारा खेती किया जाता है उनसे मैंने बोला कि यार चलिए आपका वीडियो बनाता हूँ, तो वो गंजी पे फिलहाल वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं आना चाहूँगा वीडियो में, वहाँ पर फिलहाल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यार उनको दिखाने से अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ यार बकरी सेट यहाँ पे लिखा गया है लेकिन बेसिकली यार बकरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बेसिकली किसान भाई जो है जिनके द्वारा खेती किया गया वही यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे नाम वगैरह आपको देखने मिल जा रहा है। यहाँ पे यार तरबूज वगैरह का भी खेती किया गया है लेकिन जो ओनर है वो रिफ्यूज़ कर दिए कि यार जाने से, क्योंकि गंजी पे थे बेसिकली। उनका फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्प्ले कराता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं आना चाहूँगा। तो मैं क्या ही आपको बता सकता हूँ। बाकी इस साइड में आप लोग देख सकते हैं यार अलग अलग प्रकार का यहाँ पे खेती देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दवा यहाँ पे दिया जाता है, काफ़ी जो है ज़्यादा प्रेशर होता है इस मशीन का जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से जो है यहाँ पे इसका कार्य किया जाता है। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं बीच में यहाँ पे बहुत ही अलग प्रकार का मशीनें लगाया गया है जो शहर में लगाया जाता है। यहाँ पे बेसिकली यार कैमरा इंस्टॉल किया गया है, अगर आप मैंगो चोरी करने की कोशिश करेंगे जो अभी मैंने आपको उस साइड में दिखाया था तो आप पकड़े जाएंगे। तो ये मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि यार कभी आप आएंगे तो गलती से मैंगो आप नहीं छूएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे यार आप लोग ये देख रहे हैं बेसिकली यार घास निकालने के लिए जो है ये बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा बात यार ये। और अभी जो है कुछ समय पहले एक भैया जी को मैंने आपको दिखाया था जो दवा का कार्य मतलब कर रहे थे, मतलब दवा झोंकने का कार्य कर रहे थे, तो उनके द्वारा ही जो मतलब खेती किया जाता है। बाकी यार सारा डिटेल जो है ये लोकेशन कहाँ पर है अरंगी में उसका जो है लोकेशन मैं एग्जैक्ट लोकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट पिन सेक्शन में पिन कर दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं यार काफ़ी अच्छा मैनर में जो है यहाँ पे खेती किया जाता है। और यार आज का जो है इस ब्लॉग में बस मैं आपको इतना ही दिखाने वाला था, काफ़ी ज़्यादा दिखाया यार काफ़ी अच्छा मैनर में यहाँ पे खेती किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा बात है यार मेरा गाँव में यार अलग अलग प्रकार का खेती किया जाता है और भी तरह तरह का खेती किया जाता है अपकमिंग ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। तो यार आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग के साथ, बाय।